गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज चैप्टर 7 सॉइल. ओके, ऑल ऑफ यू हैव सीन अ गार्डन राइट एट योर स्कूल एट योर होम. इट इज़ ऑल कवर्ड विद सॉइल राइट. आप सभी ने गार्डन्स देखे होंगे, वहाँ पे जो आपको लेयर दिखाई देती है ऊपर मिट्टी की, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल. ठीक है, सॉइल बेसिकली क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो. सॉइल क्या है? अर्थ क्रस्ट की सबसे अपर मोस्ट लेयर जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं राइट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें अवेलेबल है. प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत होती है टू ग्रो, क्योंकि इट होल्ड्स द रूट ऑफ द प्लांट्स फर्मली. जो प्लांट्स की रूट्स होती है, सॉइल उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है राइट. और जो भी वाटर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज़रूरत होती है, वो किससे मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स ऑन आवर प्लैनेट. ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सॉइल इज़ अ होम टू मेनी इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अर्थ वर्म्स है. ये सब किस में रहते हैं? ये सब किसके अंदर रहते हैं? सॉइल में रहते हैं राइट. तो इट इज़ अ होम टू अ मेनी इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, लेट्स मूव ऑन. दिस इज गिवन द सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल किस तरीके से सॉइल को डिवाइड किया गया है. ओके, द इनर मोस्ट पार्ट इज द बेड रॉक. जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, दैट इज बेड रॉक. फिर ये किस में डिवाइड होती है? वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स में. मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स चेंज होते हैं रॉक्स के, उसको वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स कहते हैं राइट. इसके ऊपर है हमारी सब सॉइल और सबसे ऊपर टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस और ये सब चीज़ें होती है. ये हमें दिखाई भी देती है, दैट इज़ हमारी टॉप सॉइल. जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है, किसी किसी प्लांट्स की काफ़ी गहरी होती हैं, तो वो सब सॉइल तक भी जाती हैं. ओके, दिस इज़ द सॉइल प्रोफाइल. नाउ लेट्स मूव टू द टाइप ऑफ सॉइल. हम सॉइल को बेसिकली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. ओके, सैंडी सॉइल की जहाँ तक हम बात करते हैं, इट डज़ नॉट होल्ड मॉइस्चर. यानी जो भी वाटर और जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इसमें से इजीली फ्लो अवे हो जाते हैं राइट. मतलब ये उनको होल्ड करके नहीं रख पाता. ड्यू टू दिस इट नीड्स रेगुलर एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स. इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है ठीक है सैंडी सॉइल में. क्लेई सॉइल इज़ यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ओके, क्लेई सॉइल में क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्लेई सॉइल में, और ये मॉइस्चर को भी अच्छे से होल्ड करके रख सकती है. बट इसमें एक हार्ड लंप से बनने लगते हैं जब ये वेट होती है ठीक है. और ज़्यादा गर्मी में भी इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो रूट्स ऑफ प्लांट्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं ठीक है. सैंडी सॉइल में ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसमें एयर स्पेसेस ज़्यादा होती है. ओके, सैंडी सॉइल में ग्राउंडनट्स, वाइन, मेज़ आसानी से ग्रो करते हैं. क्लेई सॉइल में सनफ्लावर, रोजेज, इस तरीके के प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है लोमी सॉइल. इट हैज़ एडवांटेजेस ऑफ बोथ द सॉइल्स. लाइक इट इज़ अ मीडियम ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. इट कैन होल्ड मॉइस्चर ऑल्सो एंड इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. इट हैज़ गुड क्वालिटीज़ ऑफ बोथ द सॉइल्स ठीक है. तो प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा लोमी सॉइल को माना जाता है. इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज इट हैज़ इनफ वाटर ऑल्सो एंड इनफ एयर स्पेसेस ऑल्सो. ऑल राइट, सो थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल ठीक है. सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मॉइस्चर, क्लेई सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड लोमी कैन होल्ड मॉइस्चर एंड इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ओके, नेक्स्ट इज सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल बनती कैसे है. सॉइल बनना इज नॉट अ फास्ट प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ठीक है. बहुत ही लंबा टाइम लगता है, ईयर्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल फॉर्म होने में. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड वेदरिंग. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है ठीक है. जो रॉक्स होती हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ विंड, वाटर,
पानी के बहाव की वजह से, हवा की वजह से, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से दे ब्रेक डाउन, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द वेदरिंग एंड इट टर्न्स इनटू अ सॉइल. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल लगते हैं ऑफ कॉन्स्टेंट वेदरिंग टू फॉर्म अ सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल. गॉट इट? नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वट आर द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स, ग्रेवल, सैंड, क्ले, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा ह्यूमस जिसे हम कहते हैं खाद, मिनरल्स, वाटर, एयर, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म, स्नेल्स, इंसेक्ट्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया, फंजाई, दे आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल, राइट. सो मैनी थिंग्स आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉइल. नाउ ऑल्सो वन थिंग इज देयर दैट अर्थवॉर्म्स आर नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड. क्यों कहा जाता है अर्थवॉर्म्स को फार्मर फ्रेंड? बिकॉज दे बरी इन सॉइल. आपको जैसा कि पता है कि अर्थवॉर्म्स हमें सॉइल में मिलते हैं, ठीक है, जब वो बरी होते हैं सॉइल के अंदर, उसको क्या करते हैं, अंदर से निकलते हैं, बाहर से निकलते हैं, सो दे टर्न इट, और सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं. इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो काफ़ी सरफेस के नीचे नहीं पहुंच पाते, ज़्यादा डीप नहीं पहुंच पाते, वो इसकी वजह से, अर्थवॉर्म्स की वजह से आसानी से पहुंच जाते हैं, और इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है और प्लांट ग्रोथ भी बढ़ती है. इसी वजह से जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उन्हें फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है. ओके, सो रीड अबाउट दिस. हमने अभी तक क्या 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 पढ़ा, व्हाट इज सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल टाइप्स, सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ तक आप पढ़िए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट.